श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, कई बार हमें मेल आते हैं, व्हाट्सएप कॉल आता है या व्हाट्सएप किया जाता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपने घर के अंदर कोई भी ऐसा गैजेट लाते हैं, चाहे वो टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, सोफा सेट हो गया, बेडरूम सेट हो गया, डिनर सेट हो गया, या फिर डाइनिंग टेबल सेट हो गया, या कंप्यूटर हो गया, या फिर घड़ी हो गई। तो वो हमें अक्सर फोन करते हैं, सर जी अगर हम ये गैजेट लाए हैं तो वास्तु के हिसाब से प्रॉस्पेरिटी की वृद्धि हेतु और सकारात्मक ऊर्जा की प्रवाह हमारे घर में चलता रहे, तो उस संदर्भ में वास्तु के हिसाब से इस गैजेट को कौन सी दिशा में लगाए। तो अक्सर ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं तो हम उनको फोन पे जवाब देते हैं, कईयों का हम फोन ले नहीं पाते। तो आज हम एक एक जर्नल एपिसोड बना रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन का जो समय है वो समय कैसे बेस्ट किया जाए, कैसे उसको एकदम कहते हैं ना हसीन किया जाए, एकदम चमत्कारी किया जाए, गोल्डन किया जाए, अच्छा किया जाए। तो ये समय हमें कहाँ से पता चलता है? वैसे समय हमें अगर हम सालों पहले की बात करेंगे तो सूर्य नारायण यानी सूर्य देव हमें समय बताते थे कि अब दोपहर हो गई, रात हो गई, शाम हो गई। आज उनको रिप्लेस करके हमने हमारे इस मॉडर्न युग के अंदर घड़ी लेके आए यानी क्लॉक, वॉल क्लॉक। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो वॉल क्लॉक पे है। हमारे घर में घड़ी किस दिशा में लगनी चाहिए, किस दिशा में नहीं लगनी चाहिए, घड़ी की क्या टेक्नोलॉजी है, उसकी क्या टेक्निकली बात है जो हमारे वास्तु के अंदर वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, जैसा हमारा एक शरीर है, शरीर में हमारा हृदय है और हृदय के अंदर हमारी धड़कन है, तो उसी तरह वास्तु भी एक बॉडी है और बॉडी के अंदर लगी हुई घड़ी जो हमेशा टक 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 कर रही है, वो उसकी दिल की धड़कन है यानी वास्तु की धड़कन है। अगर वो धड़कन सही जगह से नहीं मिले तो उससे हमारे घर के अंदर 16 गुना नेगेटिविटी आती है यानी 16 गुना। आज हम एक तरह से तो पॉजिटिविटी नहीं कर पा रहे हमारी घर को, तो उससे 16 टाइम कहते हैं ना नेगेटिविटी हमारे घर के अंदर आ जाती है। तो इससे हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी ट्रबल आती है, चाहे वो वास्तु आपके घर का हो, आपकी फैक्ट्री का हो, आपकी शॉप का हो या आपकी इंडस्ट्रीज का हो, वहां पे घड़ी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर वॉल क्लॉक अगर सही दिशा में नहीं लगाई जाए तो जो हमारा सूत्र है, जो हमारा स्लोगन है, मार्चिंग विद द टाइम, समय के साथ चलना। तो ये फ्रेंड्स, हम कैसे समय के साथ चलेंगे? क्योंकि घड़ी क्या है, घड़ी हमें समय दिखाती है, हमारा गोल्डन डे को लाती है, हमारा गोल्डन समय लाती है, हमारा भाग्यों का उदय करती है। अगर वही घड़ी कहीं अलग दिशा में लगी हो, अलग जोन में लगी हो या अलग तरीके से लगी हो, जिसमें वास्तु दोष कहा जाता है, जिसे वास्तु के अंदर वो सब विपरीत दिशा है, तो वो इस वास्तु के एपिसोड में आज वही हम कवर कर रहे हैं। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना, यहाँ पे आपको बहुत ऐसी अनसुही, अनसमझी और बहुत ही उपयोगी ऐसी बातें पता चलेगी जिससे आपके जीवन के अंदर कुछ नया पन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम घड़ी 3-4 जगह लगाते हैं, उसमें सबसे स्पेसिफिक जगह है हमारा बेडरूम। अब बेडरूम के अंदर कहाँ पे घड़ी नहीं होनी चाहिए, घड़ी कहाँ होनी चाहिए वो हम बाद में दिखाएंगे, पहले तो घड़ी कहाँ कहाँ नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको हम एक बेडरूम में लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये बेड देख रहे होंगे, अक्सर लोग जो ये पिलो रखे हैं वहां पे हमारा सिर होता है। आपका बेडरूम में इसी तरह डिजाइन किया होगा, पिलो है वो सिर यानी हेड रैक है। अगर आप रात को सोते समय आपके सिर के ऊपर अगर घड़ी रहेगी तो ये हमेशा नेगेटिविटी देगी, क्योंकि ये घड़ी यहाँ पे टक 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 जो उसकी साउंड है वो आपकी नेगेटिविटी वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन को डिस्टर्ब करेगी और आपके अंदर ऐसी नकारात्मक ऊर्जा फ्लो करने लग जाएगी, आपके वास्तु के अंदर ऐसी नकारात्मक ऊर्जा फ्लो करने लग जाएगी जिससे आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का कष्ट आएगा। यानी हमारी जहाँ सिर रखते हैं रात को सोते समय उसके ऊपर घड़ी कभी नहीं रखनी, ये एक बात आप ध्यान में रख लेना, यहाँ पे घड़ी वर्जित है, यहाँ पे घड़ी रखनी नहीं है। चाहे घड़ी को कहाँ रखनी है वो हम आगे बताएंगे, आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि ये बहुत ही एकदम रोमांचक वीडियो है, बहुत ही अद्भुत वीडियो है, इसमें आपको बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे घड़ी नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी एक ऐसी जगह होती है, जनरली हम वहां पे घड़ियां लगा देते हैं क्योंकि वो हमें थोड़ा इजी रहे। तो फ्रेंड्स,
वो कौन सी जगह है, तो ये जो हमारा कोई द्वार है ये हमारे घर का सेकेंडरी द्वार होता है, यानी एक हमारा मुख्य द्वार होता है, फिर घर के अंदर का द्वार होता है। तो उस द्वार के ऊपर चाहे यहां से हम आना जाना, यहां से हम जाते हैं आते हैं, यहां से हम जाते हैं आते, ये कोई बेडरूम, ये समझो कोई बेडरूम का द्वार है तो ये कोई हमारा टॉयलेट का लेटरिन का द्वार है या फिर किचन का द्वार है। एक इमेज कर लीजिए कि ये आपके घर का द्वार है। तो इस द्वार के ऊपर समझो कि आपने कहीं पे घड़ी लगा दी, तो फ्रेंड उससे आपकी लाइफ के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। समझो ये घड़ी आपने टॉयलेट के दरवाजे पे लगा दी इस तरह से, तो फ्रेंड्स कहा जाता है वास्तु के अंदर अगर हमारा आना जाना जिस द्वार से हो उस द्वार के ऊपर अगर आपने घड़ी लगा दी तो हमारा समय निश्चित हो जाता है कि हमें पृथ्वी पे कितना समय रहना है। ये बहुत ही ऐसी बात है जिसको हमने केस स्टडी में देखा गया है। उस घर के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां आती है, ऐसी ऐसी ट्रबल आती है और ऐसे ऐसे सैड न्यूज सुनाई देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चौकन्ना करना चाहूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा मैं आपको थोड़ा फोन भी करूंगा मेरी हर वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसे केस स्टडी अपनी नजर की आंखों से देखे हुए, इसलिए आपको कहने की मैं हिम्मत रखता हूँ। यानी आप जहां से आना जाना रखते हो उस द्वार के ऊपर और घड़ी के नीचे से आप आते हो जाते हो तो वो अच्छा नहीं कहा जाएगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। यानी यहाँ पे तो मैं तो फ्रेंड्स आपको कहूंगा कि यहाँ पे प्लीज घड़ी मत लगाना। कहाँ लगानी है मैं आपको गाइड करूंगा, बट यहाँ पे तो नहीं लगानी। तो ये जो एक जगह मैंने आपको घड़ी की ये बता दी, जो अभी मैं यहाँ से आपको मनाई कर रहा हूँ कि इधर घड़ी नहीं लगानी। फ्रेंड्स अब समझो कि आप बच्चों की स्टडी के रूम में जा रहे हो और आपने गलती से के सोचा कि अब मैं घड़ी यहाँ पे लगा दूं, तो समझो कि वही प्रकार का वास्तु दोष इधर भी क्रिएट हो रहा है। यानी ये भी मेरी तरफ से आपको मनाई है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी घड़ी मत लगाना, क्योंकि घड़ी घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। घड़ी अच्छी जगह होनी चाहिए, घड़ी हमारा समय बताता है हमें लाइफ के अंदर। हमें लाइफ में पंचोल होने के लिए सबसे पहले घड़ी आती है, और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो घड़ी बिना उसका दिन चल सके। अगर हमें खाना है, उठना है, बैठना है, जॉब पे जाना है, बिजनेस करना है, हर मोमेंट में घड़ी हमारा साथ है। और उसी तरह वास्तु की जो धड़कन है वो घड़ी की टिक 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 टिक, ये धड़कन अगर बंद हो जाएगी, गलत दिशा में से प्राप्त होगी, तो उस वास्तु के अंदर जान ही नहीं रहेगी। इसलिए घड़ी कभी बंद भी नहीं रखने की। अगर उसकी घड़ी बंद हो गई तुरंत उसका सेल बैटरी चेंज कर दीजिए। बंद घड़ी, जिस घड़ी का कांच टूटा हुआ है वो घड़ी भी घर में नहीं रखनी, और आए दिन घड़ी को साफ भी रखना है। क्योंकि अगर आपके घड़ी के ग्लास के ऊपर मट्टी जम गई, यानी कहने का मतलब है कि आपके समय के ऊपर मट्टी जम गई है, तो आपको हमेशा परेशानियां का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं वास्तु के जितने भी मेरे कंसल्टेंट है, जितने भी मेरे वास्तु के व्यूअर्स है, जो भी मेरी फैमिली के साथ जुड़े हैं, तो उनको ये घड़ी के बारे में बहुत ही मैं वार्न करूंगा कि आप घड़ी से ही आपका वास्तु सुधारिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा वास्तु में चेंज ला सकता है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि दरवाजे के ऊपर घड़ी नहीं रखने का क्या रीजन है और क्यों मैं यहाँ इसको मनाई कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये नहीं चलेगी, ये मेरे लिए फिर कह रहा हूँ। अब आपको क्या करना है कि घड़ी कहाँ रखनी है। अब आपके माइंड में ये सवाल होगा कि सर जी आपने नेगेटिव जगह दिखा दी कि बेडरूम में जहां हम सोते हैं उसके सर के ऊपर घड़ी नहीं रखनी, हम जिस दरवाजे से आना जाना करते हैं उसके दरवाजे के ऊपर घड़ी नहीं रखनी, हमारे मेन डोर के दरवाजे के ऊपर घड़ी नहीं रखनी, तो हम घड़ी रखे कहां। आप ऐसा कह रहे हो कि घर में घड़ी होना जरूरी है। हाँ, अगर घर में घड़ी नहीं है तो आपके पंचुअलिटी का पता नहीं चलेगा, आप में डिसिप्लिन नहीं आएगी, आपका समय कभी गोल्डन नहीं होगा, और आप कभी भी मार्चिंग विद द टाइम यानी समय के साथ साथ नहीं चलोगे, अपडेट नहीं रहोगे, आप पुराने कैलेंडर बन जाओगे। वो हमें आप में नहीं चाहिए, हमें आप में जागरूकता चाहिए, चेंज चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम घड़ी कहाँ लगाते हैं, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। वास्तु के अंदर दो दिशा हमेशा हॉट फेवरेट रही है, एवर ग्रीन रही है, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा। ये दो दिशा देव की दिशा है। इन दो दिशाओं में अगर आप कोई भी शुभ कार्य कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो वो अक्सर आपके जीवन में हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी आपकी प्रोग्रेस को। आधी बात समझ गए होंगे, आधी मैं समझा देता हूँ। अब आपको घड़ी खास यहाँ पे कहाँ पे रखनी है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपके घड़ी के लिए एक बहुत अच्छी जगह बता रहे हैं, और यही आपको सोच के घड़ी वहां पे रखनी है। ये आपकी घड़ी है, इसको आप लेके जाओ ईस्ट जोन में। यहाँ पे आप मेरी घड़ी के ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे आपको ईस्ट जोन पढ़ाई दे रहा होगा। यानी ईस्ट जोन में अगर आप घड़ी रखोगे तो इस घड़ी रखने से आपको फायदा क्या होगा। तो अक्सर कहा जाता है ये
ईस्ट जोन यानी है सूर्य नारायण की दिशा, कि हमेशा सूर्य नारायण सूर्य देव पूर्व से उगते हैं और पश्चिम की तरफ वो अपना अस्त करते हैं, यानी सूर्योदय पूर्व से होता है और सूर्यास्त पश्चिम दिशा से होता है। तो फ्रेंड्स, सूर्य हमें क्या दिखाते हैं? टाइम। अगर आपकी घड़ी समझो पूर्व दिशा में नहीं है, आपके बेडरूम में आपके सिर के ऊपर तो भी नहीं है, पर बेडरूम की अगर घड़ी मान लो, यहां आप समझना फ्रेंड्स, घड़ी आपकी आपके बेडरूम की पश्चिम दिशा में लगी हुई है, तो इससे क्या नुकसान होगा? तो इससे क्या नुकसान होगा? सूर्यदेव पूर्व से उगते हैं, सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है, यानी आपका जो समय है ना फ्रेंड्स, वो समय अस्त हो रहा है, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, आप निष्फल जा रहे हो। आप कोई भी काम करोगे उस काम में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आप आउटडेटेड हो रहे हो, आपका समय चला गया। आपकी फेवरेट जो कहते हैं आपकी आपका जो कहते हैं आपकी मांग, आपकी डिमांड, आपकी लाइक, आपको पसंद करने वाले व्यक्ति अगर आपको आउटडेट कर देंगे तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं रहेगा, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। एक घड़ी आपको कहते कहां से कहां लेके आता है, आस से फर्श तक घड़ी लेके आ सकती है, अगर आपने घड़ी सही दिशा में नहीं लगाई तो। आपको पश्चिम दिशा में भी घड़ी को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर पश्चिम दिशा में भी आपने घड़ी लगा दी तो ये फ्रेंड्स आपके लिए बहुत बड़ा वास्तु दोष बन रहा है, यहां भी मैं घड़ी के लिए मनाई करूंगा। अब मैंने 3-4 जगह तो आपको लॉक कर दिया, तो घड़ी लगाएंगे कहां? तो फ्रेंड्स, अब हम आपको घड़ी लगाने के लिए, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपको अगर घड़ी लगानी है तो सर्वश्रेष्ठ जगह है पूर्व दिशा, जो आप मेरी बात समझ चुके हो। आपको आपके बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, किचन में या आपके स्टडी रूम में अगर घड़ी लगानी है तो पूर्व दिशा में वॉल क्लॉक लगाइए। जब भी आप घड़ी में समय देखो तो आपका चेहरा, आपका फेस हमेशा पूर्वाभिमुख होना चाहिए, यानी जहां से सूर्योदय होता है वहां मुख रख के ही आपको समय देखना है, जिससे आपका समय गोल्डन रहेगा। यानी आप कोई भी रूम में घड़ी लगाइए पर वो पूर्व दिशा में लगाइए। अब दूसरी जगह घड़ी के लिए कौन सी है? तो दूसरी जगह हमारे पास घड़ी के लिए उत्तर दिशा। अब उत्तर दिशा के पे घड़ी लगाने से हमें क्या बेनिफिट रहेगा? उत्तर दिशा से हमें पॉजिटिविटी प्राप्त होती है, धन की धन लाभ होता है, और पूर्व दिशा से ज्ञान का लाभ होता है। ज्ञान लाभ यानी यहां से हमें एजुकेशन प्राप्त होता है, यहां से हमें मनी प्राप्त होती है। तो जब भी आप घड़ी देखो तो आप क्यों नहीं अच्छी जगह देखेंगे? अगर हम किसी पैसे वाले से दोस्ती करेंगे तो वहां से पैसे मिलने की उम्मीद रहेगी, और जिसके पास पैसा नहीं है उससे दोस्ती करेंगे तो हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं होता, पर ऐसा होता है, दो जना है, क्योंकि अभी पैसे वाला हमें पैसा तो नहीं देता बल्कि उसको हमें नेगेटिविटी देता है, और गरीब इंसान हमारे समय पे आके खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जो घड़ी है, या नॉर्थ में लगाइए या ईस्ट में लगाइए, जो आपके लिए एकदम पॉजिटिविटी है। नॉर्थ की तरफ मुंह करके घड़ी देखिए, ईस्ट की तरफ मुंह करके घड़ी देखिए, साउथ की तरफ मुंह करके घड़ी नहीं देखना, वेस्ट की तरफ मुंह करके घड़ी नहीं देखना है। घड़ी देखते समय आपका मुंह हमेशा नॉर्थ और ईस्ट में होना चाहिए, यानी उत्तर और पूर्व दिशा में। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी उलझन है तो तुरंत कॉल कीजिए, आपकी उलझन मैं क्लियर कर दूंगा। बट घड़ी आज चेंज कर दीजिए, शायद आपके घर में मैंने जो जो गलत दिशाएं बताई है वहां पे घड़ी अवेलेबल होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।